गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दी इस वीडियो विच असीं तुहानू दर्शन करावांगे दसम गुरु जी दे वस्त्रां दी, जिन्हां उपर अज भी खून दे धब्बे हन। असीं तुहानू दसांगे कि तुसीं इन्हां वस्त्रां दे दर्शन किस तरह कर सकते हो, पर उस तों पहलां तुहानू इस दे इतिहास बारे जानना बहुत जरूरी है कि गुरु साहिब जी ने ये वस्त्र किसनू भेट किए सन। कृपा करके साखी नू पूरा सुनियो। भाई बहलो जी, जिन्हां ने पंजवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी तो गुरसिखी की दात प्राप्त करके मालवे दे इलाके विच परमात्मा दे नाम दा प्रचार कीता सी। भाई बहलो जी दा जन्म जिला मानसा विच पैंदे पिंड फफड़े भाईके विखे चौधरी अल्ला दित्ता सिद्धू दे घर होया सी। भाई बहलो जी दा परिवार एक मुस्लिम पीर सखी सरवर नूं मानदा सी ते शुरू शुरू विच भाई बहलो जी भी उस मुस्लिम पीर तो ही प्रभावित सन। पर सन 1640 ईस्वी नूं जदों आप जी अमृतसर गए तां उत्थे आप जी दा मिलाप श्री गुरु अर्जन देव जी नाल होया। गुरु अर्जन देव जी उस समय रामदास सरोवर दी सेवा करवा रहे सन। गुरु जी दे दर्शन पा के आप जी दे मन उत्ते बहुत डूंगा प्रभाव पिया। गुरु जी दे दर्शना विचों आप जी नूं प्रतख परमात्मा दे दर्शन होए, जिसदा आप जी दे मन उत्ते बहुत डूंगा प्रभाव पिया। श्री अमृतसर विखे जदों सरोवर दी सेवा चल रही सी तां उत्थे बहुत सारियां इट्टां दी लोड़ पई, तां आप जी नूं कितों पता लगा कि इट्टां नूं पकाउण वास्ते जेकर कूड़ा करकट ते गंदा मैला आवे विच पाया जावे तां इट्टां वधिया पकदियां हन। तां आप जी ने पूरे शहर विचों कूड़ा करकट आदि इकट्ठा करके आवे विच पाउणा शुरू कर दिता ते अखीरकार जदों आवा खोलिया गया तां लालां वर्गियां लाल इट्टां वेख के गुरु जी बहुत प्रसन्न होए ते जदों गुरु जी नूं पता लगा कि इन्हां इट्टां दी पकियाई भाई बहलो जी दी सेवा करके होई है, तां गुरु साहिब जी ने आप जी नूं घुट के अपने सीने नाल लगाया ते बचन बोले कि भाई बहला सब तों पहला। भाई बहलो जी दे अंश वंश विच्चों भाई देसराज जी सन, जेड़े कि एक मसंद सन, ते जदों गुरु गोबिंद सिंह जी भगाणी दी जंग जित के श्री आनंदपुर साहिब आए तां श्री आनंदपुर साहिब आण के गुरु साहिब जी ने अपने मसंदां नूं इकट्ठियां कीता। उस वेले ज़्यादातर मसंद भ्रिष्ट हो चुके सन, पर भाई देसराज जी दी सेवा तों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बहुत प्रसन्न होए ते उन्हां ने भाई देसराज जी नूं बख्शिश कीती ते अपने तन उत्ते पाए दो चोले भेट कीते, जिन्हां दी विशेषता अज यह है कि ये चोले गुरु साहिब जी दे पहने होए सन ते इन्हां चोलियां दे उपर खून दे धब्बे भी सन, जिहड़े कि अज भी दिखाई देंदे हन। दो पवित्र चोलियां तो इलावा गुरु जी दे दो रेशमी रुमाल, एक पजामा, पैरां विच पहनण वाले जोड़े, एक कटार, एक कलम, श्री साहिब जी दा मुठा, एक बाज दी डोरी ते एक सिक्का, जिहड़ा कि गुरु साहिब जी दे चोले विचों निकलिया सी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।